गाइस अभी अभी खत्म हुआ है तेलुगु टाइटंस वर्सेस बंगाल वॉरियर्स के बीच में मैच, और गाइस मैच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा था। लास्ट एट तक गाइस ये जो मैच जो है खिंच के गया था गाइस, यहां तक हुआ है, लास्ट में कोई भी फैसला नहीं लिया जा रहा था। फुल टाइम के विसल के पास स्कोर का 39 पॉइंट्स तेलुगु टाइटंस एंड 40 पॉइंट्स बंगाल वॉरियर्स। सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट से जो है यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स को जीत मिली, बट गाइस यहाँ पे कड़ी टक्कर दी तेलुगु टाइटंस ने। अगर हम बात करें यहाँ पे तेलुगु टाइटंस की टीम की, तो यहाँ पे गाइज सिद्धार्थ देसाई आज के मैच के भी हीरो रहे हैं तेलुगु टाइटंस के लिए, 15 रेड पॉइंट्स उन्होंने लिए। रजनीश ने 6 रेड पॉइंट्स लिए। उसके अलावा गाइज यहाँ पे जो है अबोजर मेघानी ने अपना हाई पैर लगाया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे तेलुगु टाइटंस के लिए। उसके अलावा गाइज यहाँ पे जो है फराद मिलगर ने 3 टच पॉइंट लिए और विशाल भारद्वाज ने 1 टैकल पॉइंट लिया। उसके अगर हम बात करें यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स की, तो गाइज आज के मैच के प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं मनिंदर सिंह, जिन्होंने हर बार की तरह यहाँ पे सुपर 10 तो पूरा किया ही है, बट गाइज यहाँ पे जो है 17 रेड पॉइंट्स यहाँ पे लेने में सफल हुए। उसका गाइज यहाँ पे सुकेश हेगड़े ने 5 रेड पॉइंट्स लिए। उसके अलावा गाइज बलदेव सिंह और यहाँ पे रिंकू नरवाल ने 3-3 टैकल पॉइंट्स लेने में सफल हुए, और यहाँ पे मोहम्मद नबीबख्श ने 2 टच पॉइंट लिए, और उसके अलावा जीवा कुमार ने जो है 2 टैकल पॉइंट्स लिए। ओवरऑल गाइज यहाँ पे जो है मैच की कहानी, यहाँ पे रीडिंग में जो है तेलुगु टाइटंस बहुत ज्यादा आगे थी, 5 पॉइंट्स यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स से आगे थी, बट गाइज यहाँ पे जो है डिफेंस में 1 पॉइंट से यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स लीड कर रही थी। तो गाइज यहाँ पे जो है तेलुगु टाइटंस पे अभी भी अगर हम डिफेंस और रेडिंग के मामले में देखें तो गाइज यहाँ पे लीड है, बट गाइज यहाँ पे जो है असली यहाँ पे जो लीड आई वो आई यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स की ऑल आउट्स के अंदर, जहाँ पे उन्होंने 2 ऑल आउट्स यहाँ पे तेलुगु टाइटंस को, तेलुगु टाइटंस सिर्फ 1 ऑल आउट देने में सफल हुई। सो गाइज यहाँ तक भी मामला बराबर ही चल रहा था, यहाँ पे भी गाइज तेलुगु टाइटंस की टीम आगे थी, बट गाइज तेलुगु टाइटंस ने यहाँ पे छोटी सी गलती करी, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट दिए, सेल्फ आउट हुए बहुत ज्यादा प्लेयर, जिसकी वजह से 4 एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे जो है बंगाल वॉरियर्स को मिले, गाइज इसी वजह से जो है यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स को जीत मिली। वरना गाइज रेडिंग, टैकल और ऑल आउट के मामले में जो है तीनों को अगर हम प्लस कर दें तो यहाँ पे जो है तेलुगु टाइटंस की टीम जो है आगे थी, बट उसके बावजूद भी यहाँ पे जो है तेलुगु टाइटंस को 1 पॉइंट से बात मिली, उसका कारण था एक्स्ट्रा पॉइंट्स। इसलिए गाइज यहाँ पे जो है हर मैच में जो है एक्स्ट्रा पॉइंट्स मतलब इतने ज्यादा मायने रखते हैं कि 1-1 पॉइंट से जो यहाँ पे जीत हार का फैसला होता है। सो इस वीडियो में इतना ही, लाइक एंड सब्सक्राइब करें वीडियो चैनल को। मैं तक्षण में, जय हिंद, बंदे मातरम।